अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एकदम स्ट्रीट स्टाइल चिकन शौरमा बनाने की रेसिपी, एकदम आसान और सिंपल तरीके से। तो ये ना आधा किलो मैदे का आटा है, तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच नमक और ये आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालूँगी और एक चम्मच ये बेकिंग पाउडर और साथ में डाल दूँगी दही। तो ये दही है ना 100 ग्राम दही है, तो मैं आधे किलो आटे के लिए ना 100 ग्राम दही डालूँगी और बस इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छे से हाथ से। पर इसको हाथ से ना नमक और सोडा बेकिंग सोडा को ना अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे और फिर पानी डाल के इसको जैसे नॉर्मल हम लोग जैसे रोटी वगैरह का आटा कलाते हैं ना उसी तरीके से सेम आटे को गूंद लेंगे, उसी तरीके से ना आटे को गूंद देंगे और थोड़ा लास्ट में ना थोड़ा तेल डाल के इसको गूंद लेंगे अच्छे से और इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे साइड पे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 1 घंटा या आधा घंटा भी रख सकते हैं। तो ये देखिए ये आटा एकदम हमारा रेडी है, तो अभी मैं इसको ना साइड पे रख के बाकी के जो है हम लोग तैयारी कर लेंगे। तभी मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी सॉस बनाने की रेसिपी, जो शोरमे वगैरह में ना क्या वाइट सॉस रहता तो वो किस तरीके से बनाते। तो मैं थोड़ा सा डाल दूँगी पहले लहसुन, 8 से 10 लहसुन और 1 चम्मच डाल दूँगी वाइट तिल डाल दूँगी और 1 चम्मच ब्लैक पेपर डाल दूँगी मैं इसमें, काली मिर्च अखा वाला काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा नमक और ये ना प्लेन मेयोनीज है तो इसको भी मैं डाल दूँगी इसमें और थोड़ा सा ना पानी मिक्स करके इसको भी हम लोग इसमें डाल के इसको पीस लेंगे। तो पीसने के बाद ये ना वाइट सॉस हमारा एकदम रेडी हो जाएगा, जो हम लोग स्ट्रीट में खाते जैसे शोरमे में क्या वाइट सॉस रहता तो वो उस तरीके से। और मैं आपको ना रेड वाला भी दिखाऊंगी, जो तीखे वाला सॉस रहता ना तो वो भी दिखाऊंगी। तो पहले अभी इसको हम लोग पीस के निकाल लेंगे एक बोल में कोई भी। ये देखिए अभी एकदम मस्त रेडी है हमारा वाइट सॉस यानी कि वाइट मेयोनीज, इसको निकाल लेंगे एक बोल में और इसको भी साइड पे रख देंगे। तो ये इसमें ना वाइट सॉस में मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसमें ज़्यादा तीखा नहीं है, तो जिसको कम तीखा पसंद है वो लोग वाइट मेयोनीज ज़्यादा डाल के यूज़ कर सकते हैं, या जिसको तीखा पसंद है अभी उसके लिए हम लोग बनाएंगे तीखे वालों के लिए थोड़ी सी तीखी सॉस। तो इसमें भी मैं पहले डाल दूंगी थोड़ा सा लहसुन और 5 से 6 अक्खी वाली ना लाल सूखी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा मैं डाल दूंगी ज़ीरा, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ा सा मेयोनीज डाल देंगे। मेयोनीज आपको कितना तीखा सॉस बनाना है आप वो हिसाब से भी डाल सकते हैं, एक बोल भर के या आधा, तो मैंने ये आधा ही डाल लूँगी, आधा बोल डाल रही हूँ मैं और इसको भी पीस लेंगे। और है ना इसमें 1 चम्मच आप लोग है ना रेड चिल्ली पाउडर भी डाल दीजिए, वो क्लिप ना मेरे से मिस हो गया था जब मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही थी, तो इसको भी पीस के निकाल लेंगे। ये देखो अभी ये रेड सॉस एकदम तेज़ तेज़ तैयार है हमारा, तो बस इसको भी निकाल देंगे। और ये इतना अच्छा बना था ना ये सॉस, मैं दोनों वाइट सॉस और ये रेड सॉस एकदम स्ट्रीट स्टाइल, और बहुत अच्छा भी था खाने में, टेस्टी भी था, तेज़ तेज़ भी था और एकदम बच्चे बड़े सब खा के खुश हो गए थे। ये जो शोरमा बन के तैयार हुआ था ना तो बहुत अच्छा बना था, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए ये सॉस हमारा रेडी है, वाइट सॉस और रेड सॉस दोनों भी रेडी। अगर आप लोगों को दोनों नहीं बनाने हैं तो आप कोई एक भी बना सकते हैं, या तो सिर्फ आप सिर्फ रेड बना सकते हैं या सिर्फ वाइट बना सकते हैं। तो अभी ये चिकन ले लेंगे, चिकन है ना 300 ग्राम है ये और ये बोनलेस चिकन है, इसमें बिल्कुल भी ना कोई भी हड्डी वगैरह नहीं है। और सूखे मसाले में डालेंगे हम लोग 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के रेड चिल्ली पाउडर और नमक अपने अंदाज के हिसाब से आप डालिए। तो अभी ये सूखे मसाले को हम लोग डाल देंगे चिकन में, चिकन को अच्छे से धो के ना इसका पहले पानी हम लोग निकाल लेंगे एक्स्ट्रा पानी, उसके बाद इस तरीके से सूखे मसाले डाल देंगे और डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसको 1/2 घंटा 1 घंटा आपके पास जितना आपके पास टाइम है ना आप उतनी देर के लिए इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 मिनट्स भी काफ़ी है। तो बस अभी चिकन को हम लोग पका लेंगे, तो मैं डाल दूँगी इसमें इस थोड़े बड़े साइज़ के ना चम्मच से 2 चम्मच तेल डाल दूँगी, अपने अंदाज के हिसाब से डाल भी सकते हैं तेल। तो बस अभी मैं इसको डायरेक्ट चिकन को डाल दूँगी तेल को गर्म होने के बाद, बस अभी इसको 2 से 3 मिनट पकने के लिए देंगे फिर उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से मैं फैला के ना 1-2-3 मिनट इसको पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पे, फिर इसको हिला देंगे हम लोग
और वैसे भी ये ना बोनलेस चिकन है ना, तो एकदम ये ना कम से कम 15 या 20 मिनट में तो ये अच्छे से कुक हो जाता है। इसको ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, एकदम आसानी से ये आराम से ना जल्दी कुक हो जाता। और ये चिकन भी ना एकदम सॉफ्ट था, ऐसा नहीं था कि एकदम हार्ड हो गया था। तो ये चिकन में हम लोग ना जितना भी ड्राई मसाला डाल के इसको रखने से क्या होता कि एकदम जूसी चिकन बन गया था ये, और एकदम खाने में भी अच्छा था चिकन, टेस्टी था। तो बस इस तरीके से ना हम लोग इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ना बीच बीच में चम्मच चला चला के पका लेंगे, तो चिकन भी एकदम आसानी से पक जाएगा। अभी ये देखिए इस तरीके से मैं चम्मच से तोड़ के दिखा रही हूँ, तो चिकन हमारा गल गया था। तो बस अभी इसको बंद करके, अगर एक्स्ट्रा थोड़ा भी अगर पानी रहेगा ना तो इसको थोड़ा सुखा लेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो बस अभी ये रेडी हो गया, गैस को बंद कर देंगे और इसको भी निकाल के साइड पे रख लेंगे। एकदम सॉफ्ट था ये चिकन पकने के बाद। तो अभी ना वेजिस में मैं लूँगी एक बड़े साइज का प्याज, एक शिमला मिर्च बारीक काट के ले लेंगे, और ये पत्ता गोभी। तो अगर आप लोगों को कुछ और ऐड करना है जैसे गाजर या शलगम वगैरह तो आप डाल सकते हो। तो मैं इसमें ज़्यादा तरकारी नहीं डालूँगी, सिर्फ 2 या 3 डालूँगी। और ये 2 घंटे के बाद ना आटे को उठा के इस तरीके से पेड़े बना लेंगे, या आप जितने टाइम के लिए इसको छोड़ेंगे उसके बाद पेड़े बना लेंगे और फिर इसको बेल लेंगे। ये देखिए, और बेलने के लिए ना रोटी की तरह ही बेलेंगे, लेकिन इसको ना एकदम पतला नहीं बनाएंगे, थोड़ा ना इसको थोड़ा मोटा मोटा बेलेंगे, एकदम रोटी की तरह पतला नहीं बेलेंगे। ये देखो साइज़। और इसको ना इस तरीके से हम लोग इसमें छेद कर देंगे फोक की मदद से, इसको इस तरीके से चुबा देंगे। और इसको ना नॉर्मल जिस तरीके से हम लोग रोटी बनाते हैं ना उसी तरीके से इसको पका लेंगे, लेकिन ज़्यादा गैस को ना फास्ट रख के नहीं पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो बस तवे को गरम कर लेंगे रोटी के, और इस तरीके से हम लोग इसको डाल के पका देंगे। उलट पलट करके ना आजू बाजू इसको पलटा के अच्छे से पका लेंगे। और थोड़ा सा इसको ना थोड़ा तेल डाल के भी हम लोग इसको पका लेंगे। अगर आपको चाहे सूखा बनाना चाहे तो आप इसको सूखा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ना थोड़ा तेल डालूंगी, बस 1-1 चम्मच जितना तेल डालूंगी, आगे 1 चम्मच और पीछे 1 चम्मच, छोटे चम्मच के हिसाब से। और इसको सेक लेंगे और इसको फिर निकाल देंगे। तो इस तरीके से ना पहले आप थोड़े जितना मतलब 4-5 इस तरीके से ना बना के अगर हम लोग रख लेंगे ना, तो रोल बनाने के टाइम पे ना शोरमा एकदम आसान हो जाता, अगर पहले से हम लोग ये रोटी वगैरह इस तरीके से बना के रख लेंगे। आप इसको रोटी बोलो या पीटा ब्रेड भी बोलते हैं। तो बस अभी इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सब इंग्रेडिएंट्स ना साइड पे रख लेंगे। ये देखो चिकन था, और ये इस तरीके से मैंने ना 5-6 बना के इसको रख ली थी, थोड़ा थोड़े मोटे मोटे है ना वो दिखा रही हूँ मैं आपको इस तरीके से। और ये मत समझो कि यार ये मोटा है तो कैसा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मोटा था और एकदम सॉफ्ट भी था ना ये, पकने के बाद एकदम सॉफ्ट था, खाने में भी ना मतलब अच्छा मज़ा आ रहा था। तो पहले मैं इसमें ना नीचे रख दूँगी एक बेकिंग पेपर, या अगर आप टिश्यू रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। तो इसमें पहले एक बेकिंग पेपर रख दूँगी नीचे, उसके ऊपर हम लोग ये रख देंगे और डाल देंगे उसमें थोड़ा सा वाइट सॉस, थोड़ा रेड सॉस। वाइट सॉस और रेड सॉस है ना आप लोग अपने अंदाज के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर तीखा कम चाहिए तो ना रेड सॉस कम लगाइए। तभी मैं इसमें डाल दूंगी गोभी, और फिर थोड़ा सा इसमें प्याज भी डाल देंगे। प्याज डाल देंगे और फिर थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग डाल देंगे चिकन। चिकन भी आप अपने अंदाज के हिसाब से, अगर किसी को कम खाना है तो कम डाल सकते हैं, या किसी को सिर्फ चिकन खाना है इसमें वेजीज कम करना है तो आप वो हिसाब से कम ज़्यादा हर चीज़ कर सकते हैं। तो बस अभी इस तरीके से चिकन डाल के सारे सब्जी को डाल के फिर से थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे हम लोग वाइट सॉस और रेड सॉस डाल देंगे, और इसको लपट देंगे। तो ये एकदम आसान है, घर में आए ना आप लोग आराम से बना के ना शाम के टाइम पे एज ए स्नैक्स बच्चों को, बड़ों को, या कोई मेहमान आ रहे तो भी बना सकते हैं। और ये मैं सच में बता रही हूँ, इतना अच्छा इतना टेस्टी बना था ना घर में, क्या हस्बैंड तो पूछो ही मत, इतना खुश हो गए थे खा के, तो सब तारीफ़ ही कर रहे थे। तो आप लोग भी बनाइए, मैं एकदम आसान तरीके से ना सब आपको दिखाई थी घर में वाइट सॉस रेड सॉस किस तरीके से बनाते। तो बस ये हमारा मस्त गरम गरम चिकन शोरमा तैयार है। तो आप लोग भी इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पकाइए खाइए खिलाइए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।
और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए मस्त स्ट्रीट स्टाइल चिकन शोरमा रेडी है।